सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, रबर बॉल फिल्ड विथ वाटर हैविंग अ स्मॉल होल यूज्ड एज द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सच पेंडुलम इज। सो क्या हो रहा है कि ये आपका एक पेंडुलम है, ओके इसके इसमें क्या है, वाटर फिल किया हुआ, राइट। और यहाँ पे सो ओवरऑल जो ये बॉब का सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे। और आपका जो लेंथ होता है वो डिस्टेंस बिटवीन दिस हाइट ऑफ सस्पेंशन, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक रहता है ये लेंथ। तो जैसे ही आप क्या करोगे कि यहाँ पे नीचे होल करोगे तो क्या होगा, क्या ये पूरे बॉब का जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे लिक्विड डिक्रीज होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कहाँ पे होगा, नीचे शिफ्ट होगा, ओके टुवर्ड्स ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा लिक्विड है। और यहाँ पे जैसे धीरे धीरे यहाँ पे आपका वाटर गिर रहा है, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट डाउनवर्ड्स। सो लेंथ क्या होगा, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इनिशियली लेंथ इंक्रीजेस, सो आपका टी टाइम पीरियड क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। इनिशियली लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा आपका, बढ़ेगा। बट जैसे जैसे से जैसे कि आपका वाटर आधा खाली हो गया, सेंटर ऑफ मास और भी नीचे शिफ्ट हुआ, फिर क्या होगा कि वाटर और ये 50% से 25% है तो सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा, बिकॉज ये आपका जो स्ट्रिंग का भी कुछ मास रहेगा एंड अभी जैसे कि पूरा पानी गिर गया तो आपका ये खाली रबड़ बॉल हो गया, तो सेंटर ऑफ मास अगेन रबड़ बॉल के सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, विथ वाटर सेंटर पे था, अभी लास्ट में क्या होगा, विदाउट वाटर एट द सेंटर रहेगा। तो पहले क्या लेंथ इंक्रीज होगा क्योंकि वाटर आपका कैसे कि 75% और सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हुआ, हेंस लेंथ इंक्रीज हुआ। बट जैसे ही वाटर धीरे धीरे खत्म होने लगा, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होने लगेगा क्योंकि रबड़ का बॉल का जो मास रहेगा वो वाटर के वेट से कम होगा, ओके जैसे थोड़ा वाटर बचा है, इसलिए स्टार्टिंग में क्या इंक्रीजेस लिखा है, बाद में डिक्रीजेस, ओके लास्ट में क्या होगा, लेंथ अगेन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ओके हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बी, ओके फॉर्मूला आपको पता रहेगा, ए ओमेगा होता है एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इसको आप टाइम पीरियड में चेंज कर लो, ओके ओमेगा क्या होता है 2π/T। सो बोल रहे हैं द पीरियडिक टाइम इज मेड 1/3 ऑफ द इनिशियल एंड द एम्पलीट्यूड इज डबल देन द न्यू मैक्सिमम वेलोसिटी। सो एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे डबल कर रहा है, और टाइम पीरियड क्या कर रहा है, मेड 1/3, सो द न्यू टाइम पीरियड इज 1/3 ऑफ ओल्ड, सो 2π T डैश जो है आपका यहाँ पे क्या होगा 1/3, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1/3 T, तो इसमें से जो भी कॉमन है a इंटू 2π/T मैंने निकाल लिया, ये 2 है, ये 1/3 है, 2 × 3, ये जो वैल्यू है आपका क्या है v है, और ये कितना है 6 है, तो आपका आंसर कितना आया 6V। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ स्पेस लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट 3R फ्रॉम अर्थ सरफेस, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। सो आपका अर्थ है, ओके एंड ये जो स्पेस लेबोरेटरी ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ है, सो इन दिस आउटर स्पेस, ओके और स्पेस लेबोरेटरी में आपका क्या रखा है, सेकंड पेंडुलम, ओके सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो जी होता है स्पेस लेबोरेटरी में वो होता है जीरो। जीरो क्यों होता है, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया वेटलेस कंडीशन, ओके क्यों फील होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का टुवर्ड्स क्या है, सेंटर। सो ऑब्जेक्ट जो भी रखा रहेगा उसका जो ग्रेविटी रहेगा वो जीरो रहेगा, T=2π√L/g, तो यहाँ पे जी जीरो है इसलिए टाइम पीरियड क्या आएगा, इन्फिनाइट है। यदि आपका प्रॉब्लम ऐसा दिया रहता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया दूसरे प्लैनेट पे जिसका रेडियस वगैरह है मास दिया रहता, तब हम जी कैलकुलेट करते नया एंड तब यूज कर सकते थे, बट ये क्या बोल रहा है कि आउटर स्पेस में लेबोरेटरी के उसमें रखा हुआ है जहाँ पे जी जीरो होता है, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ओके द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ टू पार्टिकल इज। सो ये आपका y1 दिया गया है, इसका आप स्पीड निकालो, v1 = dy1/dt, आपने डेरिवेट किया कितना आएगा 0.1, साइन का डेरिवेटिव cos 100πt प्लस π/3 एंड इनटू आपका जो भी 100π है, ठीक है,
एंड यहाँ पे कॉस में दिया, पहले तो आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो इसको आप जब डेरिवेट करोगे, वेलोसिटी निकालोगे डी वाई टू बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा 0.1 कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई टू इंटू 100 पाई। ये दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है, तो फेज डिफरेंस आप निकालने जाओगे फाई वन माइनस फाई टू और थीटा, ये आपका 100 पाई टी। आप क्या करो, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सीधा आप ये लिखो पूरा जो उसका फेज है, और इसका फेज क्या है 100 पाई टी प्लस पाई बाई टू, ये तो कैंसिल हो गया। पाई बाई थ्री कितना होता है, आप पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 पाई माइनस 3 पाई कितना हो गया माइनस पाई बाई सिक्स, इज करेक्ट आंसर इज बी। सो ये प्रॉब्लम में क्या दिया गया, स्प्रिंग हैज अ सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट, इट्स पीरियड फॉर वर्टिकल ऑसिलेशन इज T1, द स्प्रिंग इज नाउ कट इन टू इक्वल हाफ्स, द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स। सो आपका एक स्प्रिंग था जिसका लेंथ L था, इसको दो पार्ट में कट किया L by 2 एंड L by 2, ओके। एंड अभी पूछ रहा है कि द पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इज नाउ T2, द रेशियो, तो इस टाइम पे जो आपका T1 था वो कितना था 2 पाई एम बाई के, और इस टाइम पे आपका T2, सो लेंथ बिकम्स हाफ, लेंथ आपका हाफ हो रहा है। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू के एक्स एंड मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ये जो फोर्स है, क्योंकि सेम मास सस्पेंड करे तो फोर्स सेम है, तो फोर्स इज अ कॉन्स्टेंट, तो के एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और एक्स क्या है यहाँ पे लेंथ, ओके। सो आपका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट एंड लेंथ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यदि आप लेंथ हाफ करोगे, सो आप चाहिए तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट निकाल लो, जो भी आपका हाफ पार्ट है L1 L2 कितना आएगा आपका, L2 उधर गया, K2 बाय सॉरी आपको K2 निकालना है, K2 विल बी L2 बाय L1 इंटू K1, L2 आपका L1 बाय 2 हो गया है, एंड सो यहाँ पे L1 कैंसिल, K बाय 2 आपका जो स्प्रिंग कॉन्स्ट सॉरी जस्ट अ सेकेंड आपका L2 L1 बाय 2 के एक सेकेंड आई थिंक इनवर्सली ना मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया सॉरी। सो आपका यहाँ पे K2 क्या हो जाएगा L1 बाय L2 K1 L1 L2 क्या है L1 बाय 2 L1 L1 गेट्स कैंसिल, क्या आया 2K1, सो K2 बिकम्स 2 टाइम्स, और आप सबको दिख रहा है कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। सो आपका T2 बाय T1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, T2 का कितना वैल्यू है K2, तो 2K1 में डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और T1 का क्या है K1 कैंसिल, सो T2 क्या हो गया T1 इधर गया T1 बाय रूट 2। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ओके आपको क्या निकालना है T1 बाय T2 निकालना है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा रूट 2, ओके करेक्ट आंसर इज बी। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर गिवन हॉरिजॉन्टल पुश थ्रू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 डिग्री, इफ द मास ऑफ बॉब इज 200 ग्राम द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब विल बी। सो सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना दिया, 2 मीटर दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका दिया है 60 डिग्री, मास ऑफ द बॉब इज 200 ग्राम, ओके। तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 × −3 kg। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब पूछा है, सो डायग्राम के हिसाब से आपका यहाँ पे ये लेंथ ये थीटा दिया है, ये आपका रेडियस है, ओके। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉब विल बी, सो आप सबको पता है जब भी आपने ये डेरिवेशन किया रहेगा, आपका वेट इज बैलेंस बाय, सो यहाँ पे टेंशन होता है, टेंशन स्प्लिट होता है आपका दो पार्ट में, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, ठीक है। सो टी कॉस थीटा आपको क्या प्रोवाइड कर देता है, नेसेसरी सॉरी वेट को बैलेंस करता है, टी साइन थीटा आपका टुवर्ड सेंटर है, मीन्स ये क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो ये दोनों को हमने डिवाइड किया, मतलब इक्वेशन वन ए टू टू बाय वन आपने डिवाइड किया, टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, टी टी कैंसिल, क्या बचेगा टेन थीटा, उधर क्या हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर एम जी है, ये कैंसिल। सो आपका
ओमेगा स्क्वायर सो टेन थीटा, थीटा कितना है आपका, थीटा इज 60 डिग्री, सो टेन 60, यहाँ पे आपका आर है, ओमेगा स्क्वायर आपको निकालना है, आपको जी दिया है कितना है 10, ये आर क्या होगा, सो इस ट्राइंगल में आपका ये एल है, ये आर है, ये थीटा है, सो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, आर बाय एल, सो आर इक्वल टू क्या हो गया आपका एल साइन थीटा, एल का वैल्यू कितना दिया 2, एंड थीटा क्या है आपका साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, 2 कैंसिल, सो आर का वैल्यू कितना है √3, टेन 60 कितना हो गया आपका √3, आर का वैल्यू इज √3, ओमेगा स्क्वायर 10, ये कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 10, सो ओमेगा क्या हो गया √10, यहाँ पे प्रॉब्लम में जो ऑप्शन दिए उस हिसाब से 2.5 × 4, ये 4 का रूट कितना होता है 2, ये 2.5, थोड़ा सा घुमा के दिया है, हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे सी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, पूछ रहा है एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक, एनर्जी इज हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक मीन्स बोथ आर सेम, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आपका हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो ए स्क्वायर कितना हो गया 2x², सो आपका एक्स इक्वल टू क्या हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, एक्स इक्वल टू क्या हो गया ए बाय √2 प्लस माइनस, और ए का वैल्यू आपको कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर, सो 4/√2 कितना हो जाएगा आपका 2√2, हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देयर इज अ सेकंड पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज टेकन टू द सरफेस ऑफ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ सेकंड पेंडुलम है जिसका वैल्यू होता है 2 सेकंड, ओके, एंड इसको लेके गया है दूसरे प्लैनेट पे जिसका मास एंड रेडियस है ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, टाइम सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, सो ऑन अर्थ इट इज अ जी, पर दूसरे प्लैनेट का जी हमको निकालना पड़ेगा, सो जी का फॉर्मूला क्या होता है gm/r², सो जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड रेडियस का स्क्वायर, कैपिटल जी इज अ कॉन्स्टेंट, सो gp/ge, सो मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ, रेडियस का स्क्वायर ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ का स्क्वायर ऑफ प्लैनेट, सो बोल रहा है कि मास एंड रेडियस दोनों डबल है प्लैनेट का, सो 2me, ओके, यहाँ पे me कैंसल, एंड rp क्या है आपका अगेन 2 times ऑफ रेडियस है, ये कैंसल, सो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, कितना आएगा 1/2, सो मास ऑफ gp/g कितना हो गया 1/2, ये जी ऑन प्लैनेट कितना हो गया आपका g/2, सो t1/t2 हमने लिया एंड g/g2/g1, सो t1 कितना है 2 सेकेंड, t2 आपको निकालना है, सो g2 इक्वल टू g1/2, सो ये प्लैनेट है, ओके, ये प्लैनेट है और ये जी अर्थ क्या है g1 है, सो g2/g1 कितना हो गया 1/2, यहाँ पे आप पुट करो, सो t2 कितना हो गया 2√2 सेकेंड, करेक्ट आंसर इज ए। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, मास कितना दिया 200 ग्राम दिया है, सो बेसिकली कितना हो गया 0.2 kg, 2×10⁻¹ kg, टाइट ट्विस्ट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना दिया 12.5 newton per meter, वाइल अदर एंड इज फिक्स्ड एट ओ, द बॉडी मूव्स अबाउट ओ इन सर्कुलर पाथ ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड कितना दिया है 5 rads/s, पूछ रहा है द रेशियो ऑफ एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग टू द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये आपको निकालना है, सो द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज एल, जब भी रिवॉल्व करेगा तो एक्सटेंड होगा बाय एक्स, सो यहाँ पे क्या होता है जो भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स,
ओके, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा आपका KX, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपका MR ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस क्या होगा L+X N ओमेगा स्क्वायर। सो K का वैल्यू दिया हुआ है आपको 12.5 x, मास कितना दिया आपको 0.2, लेंथ कितना दिया, लेंथ आपको नहीं दिया गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया 5, 5 का स्क्वायर इज 25, सो 12.5 x 25.25 में 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 50, 5 L+X, 5 लेंथ, 5 x, 12.5 x, इसमें से 5 x माइनस किया कितना हो गया 7.5 x, 5 L, आपको क्या निकालना है x बाय l निकालना है, सो 5 अपॉन 7.5। ओके, सो ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50/75 कितना हो गया 2/3, करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 3 सेंटीमीटर, द डिस्प्लेसमेंट एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 25% मोर देन द पोटेंशियल एनर्जी। सो आपको x निकालना है, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज 25% मोर देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इनिशियल प्लस 25% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो कितना हो गया ये आपका 125/100 पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके A² - X², ये कितना हो गया 5/4, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ½ kx² आपके आपके कैंसिल, सो A² - X² 5/4 x² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 4 × A² - X² 5x² 4A² - 4x² 5x² 4A² ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 9x² सो आपको क्या निकालना x² = 4/9 A² x कितना हो जाएगा आपका ±2/3 a। सो आपका यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, सो 3 3 कैंसिल 2 सेंटीमीटर x, करेक्ट आंसर इज बी। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग अ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिस्प्लेसमेंट x एंड y इज e1 e2, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट x+y विल बी। सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट x एंड y दिया हो गया है, सो e1 इक्वल टू क्या आएगा ½ kx² e2 क्या हो जाएगा ½ kx ky² सो आपका x क्या हो जाएगा 2e1 by आपका k एंड y क्या हो जाएगा आपका 2e2 by k। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है उसने आपका x+y, जहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है ½ k × डिस्प्लेसमेंट² टोटल डिस्प्लेसमेंट x+y होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एक्स एंड वाई का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लेस करेंगे, सो एक्स का वैल्यू इज √2e1 by k प्लस √2e2 by k ये होल का स्क्वायर, सो ½ k a+b² सो यहाँ पे आप a² करो कितना आएगा 2e1 by k 2ab। ओके, और ये क्या b 2e2 by k, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 2e2 by k। ठीक है, ये आप हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करो, ए टू कैंसिल k कैंसिल, क्या बचा e1 प्लस यहाँ पे 2 2, ये अगेन हाफ है, हाफ कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2 2 पर 2 ही आएगा, यहाँ पे e1 e2 हो जाएगा एंड ये आप सिंप्लीफाई कर कीजिए, हाफ हाफ कैंसिल, कितना आएगा यहाँ पे ओके कैंसिल e2 बचा, तो बेसिकली ये क्या है आपका √e1 + √e2 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे सॉरी √e1 and √e2 बचेगा, ये √2 √2 हो गया जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इज 8 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज 8 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी,
आपको बोल रहा है एक्स निकाल। सो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के हाफ के कैंसिल। सो एक्स स्क्वायर एट ए स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन एक्स स्क्वायर एट ए स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका एट बाय नाइन ए स्क्वायर, एक्स क्या हो गया आपका टू रूट टू बाय थ्री ए। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, अपर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स एट मास एम अटैच टू इट्स लोअर एंड, व्हेन मास इज स्लाइटली पुल डाउन एंड रिलीज इट ऑसिलेट विद टाइम पीरियड थ्री सेकेंड। तो स्प्रिंग पेंडुलम फॉर्मूला क्या है, एम बाय के टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एम। सो ये आपका इनिशियल फॉर्मूला था, बाद में बोल रहा है कि इनिशियली टाइम कितना था आपका थ्री सेकेंड। द मास इज इंक्रीज बाय वन के जी टाइम पीरियड बिकम्स फाइव सेकेंड। सो आपका टी वन बाय टी टू इक्वल टू रूट एम बाय मास इज इंक्रीज बाय वन के जी एम प्लस वन। सो टी वन आपको थ्री दिया है, फाइव दिया है, एम अपॉन एम प्लस वन स्क्वायर किया नाइन बाय ट्वेंटी फाइव, इसको उल्टा किया 25 बाय 9 एम प्लस 1 बाय एम, स्प्लिट किया 1 प्लस 1 बाय एम, ये वन ए साइड लाया 25 बाय 9 माइनस 1 बाय एम। सो कितना हो गया आपका 16 बाय 9 1 बाय एम, एंड देन आपका एम क्या हो गया 9 बाय 16 के जी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट एक्स इक्वल टू ए बाय टू इज। सो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपको बोल रहे स्पीड निकालने के लिए कहाँ पे एक्स इक्वल टू ए बाय टू, ए यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड है। सो इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो ए स्क्वायर, सो एक्स की जगह पे ए बाय टू का स्क्वायर, सो प्लस माइनस ओमेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर, सो ओमेगा ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर क्या हो गया ओमेगा, ये क्या हो गया थ्री ए स्क्वायर बाय फोर, आपका फोर यहाँ पे क्या होगा थ्री का रूट थ्री ए स्क्वायर का ए एंड फोर का टू। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा क्या होता है आपका, और यहाँ पे टाइम पीरियड के फॉर्म में दिया, ओमेगा क्या होता है आपका टू पाई अपॉन टी, तो पुट किया टू पाई अपॉन टी, और यहाँ पे क्या रूट थ्री बाई टू ए, टू टू कैंसिल। सो आपका आंसर क्या हो गया, पाई ए रूट थ्री बाय टी। करेक्ट आंसर इज सी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ सर्फेस इज टी, अर्थ सर्फेस पे आपका टाइम पीरियड क्या है, टी है, एंड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स एक्स टी व्हेन टेकन टू हाइट आर। आपका हाइट आर पे टाइम पीरियड क्या है, एक्स टी अबव द अर्थ सर्फेस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। सो जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी, ओके, मीन्स टी डिपेंड्स अपॉन जी। यहाँ पे आपको पेंडुलम को हम लोग अर्थ सर्फेस से ऊपर उठा रहे हैं, राइट। सो जो जी का जो फॉर्मूला होता है जी एच बाय जी, यहाँ पे आर प्लस एच आर स्क्वायर ये पुट करके देखते हैं। सो जी एच इक्वल टू जी, आपका एच क्या है यहाँ पे आर है, सो ये सॉल्व कीजिए इसको, आर बाय टू आर कैंसल, आर आर कैंसल, कितना आ गया आपका जी बाय फोर। सो टी आपको नया ओके टी वन आपको टी दिया हुआ है, टी वन बाई टी टू क्या हो जाएगा आपका जी टू बाई जी वन, सो जी टू बेसिकली क्या आपका जी एच है यहाँ पे। सो यहाँ से ही आपको जी एच बाई जी कितना है वन बाय फोर, डेट इज जी टू बाई जी वन इज वन बाय फोर, सो यहाँ पे वन बाय फोर। आपको टी वन का वैल्यू टी दिया, टी टू आपको लिख के दिया एक्स टी है, ये वन बाय फोर का रूट लोगे तो क्या आएगा वन बाय टू, टी टी कैंसल, सो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका टू। करेक्ट आंसर इज बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोर मासलेस स्प्रिंग्स, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है
एंड पूछ रहा है था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम इज। सो आपका जो स्प्रिंग पेंडुलम का जो ऑसिलेटिंग ये रहता फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है के अपॉन एम। यहाँ पे आपके स्प्रिंग चार स्प्रिंग दिए, सी चारों ये जो स्प्रिंग दिया है इस पीस, ये जो दो स्प्रिंग है यहाँ पे सपोर्ट को अटैच है, बेसिकली ये भी सपोर्ट है, बेसिकली ये दोनों स्प्रिंग क्या है इसी के पैरेलल ही है। आप इन शॉर्ट ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो दो स्प्रिंग लगा हुआ है ये क्या है, ऐसे ऐसे है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट क्या है ये भी सपोर्ट को अटैच है, आप समझ जाओ दोनों सपोर्ट एक ही है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये दोनों के पैरेलल में। सो पैरेलल में स्प्रिंग में क्या होता है के प्लस टू के कितना हो जाएगा 3K, एंड देन ये जो दो स्प्रिंग है ये सीरीज में, सीरीज में क्या हो जाएगा 2K इंटू 2K डिवाइड बाय 2K प्लस 2K कितना आएगा ये 4K स्क्वायर नीचे 4K कितना आ जाएगा K। सो ये इसका जो रिजल्टेंट है K और ये दोनों का एडिशन कितना आया 3K और ये K, ये दोनों पैरेलल है, एड हो गए कितना हो जाएगा ये 4K। सो आपका जो यहाँ पे K इफेक्टिव है ये कितना हो जाएगा, K इफेक्टिव कितना हो जाएगा 4K डिवाइड बाय मास। हेंस यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी बी। इस क्वेश्चन में क्या दिया, इन स्टेशनरी लिफ्ट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज टी, द लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन जी बाय 4, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स एंड पेंडुलम इज इनसाइड द लिफ्ट, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी। सो आपका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जब भी लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स है सो एल अपॉन जी माइनस ए होता है, ठीक है, अपवर्ड रहता है तो प्लस होता है, डाउनवर्ड रहता है तो माइनस हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे आपका 2π एल, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको लिख के दिया है कि जो नया जी है टी, ये जो नया जी है आपका टी डैश, ओके, ए इक्वल टू क्या जी बाय 4 कितना आ जाएगा 2π रूट ऑफ एल 3g बाय 4। सो यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा टर्म क्या है 2π रूट ऑफ एल बाय जी, ये इसको आपका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4π√3, ये आपका क्या ओरिजिनल टी है, 4 का क्या हो गया 2√3, करेक्ट आंसर क्या आया 2t/√3, करेक्ट आंसर इज बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन एंड परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड 4 सेकंड, एट व्हाट टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी, ओके, 50/100 ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या होगा हाफ, एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ के ए स्क्वायर। सो यहाँ पे हाफ के कैंसिल, आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पे क्या बचा आपका हाफ ए स्क्वायर, सो आपका ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सो ये आपका ये करोगे तो कितना आएगा आपका हाफ ए स्क्वायर, सो एक्स आपका क्या हो गया 1/√2a। सो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन बोला है, सो आपका इक्वेशन क्या हो गया ए साइन ओमेगा टी, ये आपका 1/√2a, a कैंसिल, सो साइन का कौन सा वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, बेसिकली π/4, ओमेगा क्या होता है आपका 2π/t, ठीक है, π गेट्स कैंसिल, सो टी इक्वल टू क्या आएगा आपका, आपको स्मॉल टी निकलना है, राइट, स्मॉल टी इक्वल टू टी बाय 8, और आपको टी ऑलरेडी दिया है कितना है 4 सेकेंड, तो 4/8 कितना हो गया आपका 0.5 सेकेंड, करेक्ट आंसर कितना होगा 0.5, बराबर। सो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, आपका टी बाय एट, टी आपको 4 दिया, 4/8 1/2 होगा, 1/2 मतलब 0.5, हेंस करेक्ट आंसर इज डी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, बॉडी ऑफ मास 0.04 kg इज एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट एक्स इक्वल टू 0 मीन पोजिशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स द पीरियड इज। सो ये फोर्स वाई एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे, फोर्स क्या होता है आपका माइनस के एक्स, सो यहाँ पे दिया फोर्स बाय एक्स, रूट निकालने जाओगे ये जो ग्राफ का तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स कांस्टेंट,
स्लोप निकालना है तो आप ये दो पॉइंट पकड़ लो, ये 0.0 और ये पॉइंट क्या है आपका -2.8। सो स्लोप आपको पता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 क्या देने वाला है, k देगा। सो 8 ये यहाँ पे पॉइंट क्या है 8-0 और x2 क्या है आपका -2-0, कितना आएगा ये 8/-2-4 k आया। ओके मान लो k क्या है -4, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, k का वैल्यू इज 4। सो k क्या होता है आपका m ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा क्या हो गया आपका रूट ऑफ k बाय m, k का वैल्यू इज 4, मास कितना दिया है 0.04, ये आपने कट किया कितना आ गया 1/0.01 और बेसिकली 1/1 क्या हो गया 10^-2, ये बाहर आके कितना आ गया 10^-1, ऊपर आके k इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। सो द पीरियड, आपको पीरियड ऑफ चेक, ओके तो ये आपका क्या आ गया ओमेगा कितना आ गया 10, टाइम पीरियड क्या होता है 2π/T 10, सो t कितना हो गया 2π/10, तो क्या हो गया आपका 5/5 करेक्ट। तो पाई बाय फाइव कितना हो गया आपका 1/5 कितना हो गया 1/5 इज 0.2, करेक्ट आंसर विल बी बी क्योंकि पाई ऑलरेडी है, 1/5 कितना होता है 0.2 पाई, करेक्ट आंसर इज डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 3 kg रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। मास 3 kg दिया है, वेलोसिटी कितना दिया है 4 मीटर पर सेकेंड। इट कोलाइड्स विद अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड टू द रिजिड सपोर्ट। सो बेसिकली आपका सिलेंडर यहाँ पे है, यहाँ पे एक और आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है। सो सिलेंडर गिर रहा है एंड देन स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। सो बेसिकली सिलेंडर का काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग का कंप्रेस पोटेंशियल एनर्जी, ओके एंड द फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का दिया हुआ है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग विल बी, तो स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा जब वो कंप्रेस होगा वो क्या होगा आप kx2। आपको ये x निकालने बोलता है और काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का क्या आएगा रोलिंग मोशन। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर क्या होगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा 1/2 mv² एन प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। सो सिलेंडर के लिए आपका आई क्या होगा, ये वी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, सिलेंडर के लिए आपका आई क्या होगा mr² / 2 एन ओमेगा क्या होगा आपका v/r, ये क्या हो जाएगा v² / r² गेट्स कैंसल। सो यहाँ पे ये 1/4 1/2 mv² प्लस 1/4 mv² या चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 2/4 3/4 mv². सो ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल कंप्रेस एनर्जी 1/2 kx². सो आपको क्या निकालना है यहाँ पे x² सो इट कट किया 2, सो x² इक्वल टू क्या हो गया 3 mv² / k। 3 इंटू मास कितना दिया 3 kg, v आपको क्या दिया है 4 का स्क्वायर, k का वैल्यू कितना दिया 200, ठीक है। सो 4 से कट किया 200 को, 4 × 5 = 50, सो 4 से कट किया 2 कितना आ गया 25, ये कितना हो गया 9 × 2 9 × 2 9 है 2 है एंड 25 और x², सो x क्या हो गया आपका 3/5 √2, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, 3/2 2 × यहाँ पे ओके कुछ मिस तो नहीं हुआ, यहाँ पे x² था एंड 3/2 ओके यहाँ पे 2 भी बचेगा, सो यहाँ पे वो 2 मिस हो गया आई थिंक एंड देन ये 2 रहेगा तो फिर ये भी 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट 9 है तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/5, 3/5 क्या आएगा आपका 0.6 मीटर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका डी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड टी इन एयर, सो एयर में जी का वैल्यू क्या होगा जी, एंड व्हेन इट इज कम्प्लीटली इमर्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1/8 द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब, सो डेंसिटी ऑफ
लिक्विड क्या है आपका, 1/8 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द बॉब। सो बोल रहा है कि द न्यूट टाइम पीरियड विल बी व्हाट। सो इसका जो फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है, बट यहाँ पे इनसाइड द लिक्विड जो जी आपका कंपेंसेट होगा, फॉर्मूला है इनवर्सली है, सो T/T2 आपको T2 निकालना है। यहाँ पे जो इनसाइड द वाटर जो आपका जी चेंज होने वाला है बाय 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉब, डिनोमीटर या टी जब था तो डेंसिटी जी कितना था आपका, जी था, और वाटर के अंदर था तो टाइम पीरियड T2 रहेगा, बट जी आपका रिड्यूस बाय ये रहेगा क्योंकि आपको फोर्स ऑफ बयोन्सी एंड अपवर्ड फोर्स भी थ्रस्ट भी आएगा। सो इस फॉर्मूले में आपका T/T2 ये ध्यान में रखो आप फॉर्मूला जी, आपको dL/dB कितना आ रहा है यहाँ पे 1/8, ओके ये जी जी कैंसिल हो जाएगा, कितना आया ये 7/8 T/T2, आपको T2 निकालना है, क्या आ गया आपका √8/7 T, करेक्ट आंसर इज D। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग, एन एडिशनल मास m will be added extend the spring further by distance x, now the combined mass will oscillate on the spring with time period t. So when a mass m is suspended, okay, सो आपका टाइम पीरियड क्या है, टी इक्वल टू 2π√m/k, व्हेन मास m1 एडेड एक्सटेंड द स्प्रिंग बाय डिस्टेंस x, सो जैसे ही आपने ये स्प्रिंग को न्यू मास ऐड किया, इट गेट्स एक्सटेंड इट्स, सो इनिशियली क्या था, जब डिस्प्लेसमेंट kx था तो मास क्या था, m था, ओके जस्ट अ सेकेंड, मास, ओके जब आपने मास कितना ऐड किया, m1 ऐड किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ, सो दिस kx, दिस फोर्स kx, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द एडिशन ऑफ मास m1 इनटू g, ओके सो यहाँ पे आपका जो न्यू टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m है, सो यहाँ पे आपका टी इक्वल टू जो न्यू टाइम पीरियड है 2π, न्यू मास क्या होगा आपका m+m1 एंड k आपका वही रहेगा, ओके सो यहाँ से आप k की जगह पे क्या रख सकते हैं, m1g/x, ओके सो 2π क्या हो जाएगा यहाँ पे, k की जगह पे आपने ये रखा, सो x आपका ऊपर चला गया m+m1 एंड ये क्या हो गया आपका m1g, सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, m+m1 था, x था और m1g और ये रूट था, तो आपका करेक्ट आंसर विल बी b। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स f1 द बॉडी ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड t1, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स f2 द बॉडी ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड t2, if the both force act simultaneously then the resultant period is, okay so force kya hota hai aapka kx hota hai and k kya hota hai m omega square x, theek hai so yahan pe aapka jo f1 ke liye kya ho jayega m 2π/t hota hai t1 square x, f2 kya ho jayega m 2π/t2 whole square x, और जो आपका टोटल जब फोर्स एक्ट होगा F=F1+F2 इसके लिए क्या हो जाएगा आपका m2π/t2 और डिस्प्लेसमेंट x तो क्या रहने वाला है, सेम ही है, सो F1+F2 जब आप यहाँ पे इक्वेट करोगे m2π/t1² x m2π/t2² x, सो mx आपका क्या सब जगह से हट जाएगा, ये 2π² कट जाएगा, इधर 1/t², इधर 1/t1², इधर 1/t2², सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/t² इक्वल टू t2² + t1² डिवाइड बाय क्या हो गया आपका t1² t2², सो t² क्या हो गया, इसको आप उल्टा करो तो ये ऊपर जाएगा, आप जब रूट लोगे सो आपका यहाँ पे क्या लग रहा है, करेक्ट आंसर ये ऊपर जाएगा एंड देन रूट लेना, करेक्ट आंसर आपका क्या आने वाला है, बी।
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिंपल स्प्रिंग हैज लेंथ एल, फोर्स कांस्टेंट के, ओके के एल, द कट इनटू टू स्प्रिंग्स ऑफ लेंथ, मतलब एल को कट करके आपने एल वन एंड एल टू बनाया, बेसिकली एल वन प्लस एल टू क्या हो गया आपका एल, एंड रिलेशन दिया एल वन इक्वल टू एन एल टू, ओके एन इज इन इंटीजर, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल वन इज, आपको फोर्स कांस्टेंट निकालना है स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल वन, फोर्स एल वन का निकालना मतलब आपका के वन निकालना है, तो मान लो कि एल वन का फोर्स कांस्टेंट के वन है, एल टू का के टू है, सो फॉर ए स्प्रिंग जो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स कांस्टेंट एंड लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बेसिकली के एल वन के टू एल टू एंड आपका के एल, ये सब कांस्टेंट है, ये इक्वेशन वन, ठीक है। सो यहाँ पे एल वन इक्वल टू एन एल टू दिया है आपको, के वन निकालना है, सो के वन एल वन इक्वल टू के एल, सो फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल वन, के वन क्या हो गया के एल बाय एल वन, सो यहाँ पे एल बाय एल वन को रिप्लेस करना है, सो यहाँ पे पुट करो आप एल वन का वे, सो आपको एल बाय एल वन चाहिए तो एल टू को रिप्लेस करो, एल टू क्या है आपका एल वन बाय एन, इसको यहाँ पे पुट करो, सो एल वन प्लस एल वन बाय एन एल, एल वन आपने कॉमन लिया, वन प्लस वन बाय एन इक्वल टू एल, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना क्या आएगा एन प्लस वन बाय एन, सो एल बाय एल वन कितना हो गया, एल वन नीचे गया, एन प्लस वन बाय एन या पुट करो इधर के एन प्लस वन बाय एन, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका बी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, बॉब ऑफ मास एम, एम्पलीट्यूड ए, द मैक्सिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, सो जो मैक्सिमम टेंशन होता है आपका टी क्या होता है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाय रेडियस आर होता है, बट यहाँ पे आपका जो सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम में आपका जो ये लेंथ है यह सर्कुलर मोशन टाइप परफॉर्म करेगा, जो लेंथ है वो एज ए रेडियस काम करेगा, सो टी मैक्स कब होगा, जब कॉस थीटा क्या होगा, कॉस जीरो वन होगा, ओके कॉस थीटा वन होगा, सो टी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय एल, और यहाँ पे ये वी मैक्स होने के लिए वी क्या होना चाहिए आपका, वी मैक्स, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे ए ओमेगा, ठीक है, और सो ये एम बी स्क्वायर बाय एल है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे एम जी प्लस जस्ट अ सेकेंड एम आर ओमेगा स्क्वायर बी, ठीक है, आप यहाँ पे एम बी स्क्वायर है तो बी मैक्स स्क्वायर आपका एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय एल, एंड ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको पता है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का टू पाई एल बाय जी, यहाँ से ये ओमेगा क्या होता है आपका जी बाय एल, तो यहाँ पे आप चाहिए तो पुट कर दो एम जी प्लस एम ए स्क्वायर बाय एल, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा जी बाय एल, ओके सो ये एम एम है एम जी कॉमा ले लो, क्या बचा इधर वन प्लस ए स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ए बाय एल का होल स्क्वायर होता है, करेक्ट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दिस, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम इज, सो आपको एक्स दिया है ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेलोसिटी निकालना है आपको, इसका डेरिवेटिव लिया क्या होगा ए साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो गया ओमेगा, ए फाइव तो आपका कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी का वैल्यू आपको क्या लिखना है फाइव बाय ओमेगा माइनस फाइव, ओमेगा ओमेगा कैंसल, फाइव माइनस फाइव कितना हो गया जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया वन, आंसर क्या हो गया आपका ए ओमेगा, करेक्ट आंसर इज बी। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल इज रिलीज फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज, सो आपका ये सिंपल पेंडुलम है, इसको रिलीज किया ओके एंड से, ये आपका एंगल थीटा दिया है, लेंथ कितना दिया है एल दिया है, आपको पूछ रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट टाइम टी, सो एक्स इक्वल टू ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है, यहाँ पे क्या होता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एंड ओमेगा क्या होता है आपका
आपका टी इक्वल टू क्या होता है, 2π/ω। सो ओमेगा क्या है आपका, 2π/T। एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल ऑफ पेंडुलम सबको पता है क्या होता है, 2π√L/G। 2π 2π कैंसल, एंड ओमेगा क्या है आपका, G/L। सो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो G/L T। ए क्या होगा, एंगल थीटा पे जाके रिलीज किया। सो ये क्या हो गया आपका, एम्पलीट्यूड हो गया। सो बेसिकली आपने वो कर्व पढ़ा है, S=R θ फॉर्मूला पढ़ा है। आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड। रेडियस क्या है, ये लेंथ। ओके सो एम्पलीट्यूड आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, L θ। और आपका फॉर्मूला हो गया साइन रूट ऑफ G/L(T). करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, L θ साइन रूट ऑफ G/L(T). डी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 12 kg, ओके, एंड हेल्ड बाय टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स। तो दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट KK ले लो। देन द डिस्क इज स्लाइटली प्रेस्ड डाउन इन रिलीज, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्निक मोशन ऑफ टी 2 सेकेंड। द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ ईच स्प्रिंग इज, सो दो स्प्रिंग आपके पैरेलल है तो इनका जो इफेक्टिव फोर्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2K। सो फॉर्मूला क्या होता है, T=2π/m/K। यहाँ पे K इफेक्टिव, टाइम पीरियड कितना दिया गया आपका 2 सेकेंड, आपको मास कितना दिया 12 kg, एंड K इफेक्टिव कितना है आपका 2K। सो 2 2 कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर किया, 1 = π² ये 12/2K। सो इसको कट किया 6, सो K=6/π² पाइस। सो यहाँ पे K 6 into π² पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 9.87 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट क्या होता है 10। सो 6 into 10 कितना हो गया आपका, 60। करेक्ट आंसर इज सी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ लाइट स्प्रिंग इज सस्पेंडेड विथ मास m1 एट द इट्स लोअर एंड। सो आपका स्प्रिंग दिया हुआ है, सो m यहाँ पे मास क्या है m1, ओके, एंड इट्स अपर एंड इज फिक्स्ड टू अ रिजिड सपोर्ट। द मास इज पुल डाउन ए शॉर्ट डिस्टेंस, इसको पुल किया एंड देन रिलीज, ये अप एंड डाउन होगा। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T सेकेंड, सो इनिशियली आपका पीरियड क्या है, T है। वेन अ मास m2 इज एडेड टू m1, सो ओरिजिनल मास m1 था, इसमें आपने m2 एड किया, तो आपका जो द न्यू टाइम पीरियड है कितना हो गया, 3/2T हो गया। देन द रेशियो m1:m2 इज, जो आपका स्प्रिंग पेंडुलम है आपका फॉर्मूला क्या होता है, T=2π√m/K। स्प्रिंग आपका चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट मास जो इसके एंड पे लगा है वो चेंज हो रहा है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सो यहाँ पे T1/T2। केस 1 में आपका मास m1 है, केस 2 में आपका मास क्या है, m1+m2, ठीक है। T1 का वैल्यू कितना दिया है, T2 का वैल्यू कितना दिया है, 3/2T। सो यहाँ पे m1 है, m1+m2, ये TT कैंसल, 2/3, ये m1/m1+m2 स्क्वायर किया दोनों साइड, 4/9 m1/m1+m2, इसको रेसिप्रोकल लो, 9/4 m1+m2/m1 स्प्लिट किया, 9/4 1+m2/m1, ये इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5/4 m2/m1। सो m1/m2 कितना हो गया आपका, 4/5। करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए पिस्टन एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड, पीरियड आपको 1 सेकेंड दिया है। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सो दैट मास इज सेपरेटेड फ्रॉम द पिस्टन इज, सो पिस्टन कैसे हो रहा है आपका, अप एंड डाउन हो रहा है, ओके, अप एंड डाउन। सो और यहाँ पे आपका मास रखा हुआ है, सो ये पिस्टन जब आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और जब आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड रहेगा x=a रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तब ये क्या रहेगा, थोड़ा सेपरेटेड रहेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा ये जस्ट नीचे फटक से नीचे आएगा, राइट, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जल्दी से नीचे आएगा, तो उस जस्ट जैसे वो नीचे आएगा उस वो जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है उसमें मास इज सेपरेटेड फ्रॉम द पिस्टन रहेगा उस केस में, ठीक है। सो टाइम आपको 1 सेकेंड दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, द एम्पलीट्यूड। सो इस केस में क्या होगा, आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसको,
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अपवर्ड रहेगा ए ओमेगा स्क्वायर, और डाउनवर्ड क्या रहेगा आपका एक्सेलरेशन वेट जो उसको क्या बैलेंस करेगा। सो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पॉइंट पे ए ओमेगा स्क्वायर इज बैलेंस बाय जी, आपको क्या निकालना है ए निकालना है जी बाय ओमेगा स्क्वायर। एंड ओमेगा आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है 2π/T, आपको टाइम पीरियड दिया है 1 सेकेंड। सो जी का ओमेगा का वैल्यू 2π, इसका स्क्वायर क्या कितना है 4π², जी का वैल्यू इज गिवेन एज 10, पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 10 गेट्स कैंसल, सो कितना आ गया ये 1/4 कितना होता है 0.25 मीटर, हेंस करेक्ट आंसर इज ए।